खिचड़ी पुर इलाके में कल एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया, जिसमें करीब 20 दुकानों को तोड़ दिया गया। एमसीडी की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया और आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और सभी कार्यकर्ता विरोध करते हुए कल्याणपुरी पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह आप पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता एमसीडी की बुलडोजर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। और क्या कुछ काम मीडिया के सामने, आइए सुनाते इस रिपोर्ट में। डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, कोई भी निशान नहीं, ऐसा नहीं है ना, अपने कोई भी नंबर नहीं खोल रहे किसी तरह का भी। जब इन्होंने डीडीए ने जमीन ली थी यहाँ पे जैसी में हमारी जमीन ली थी, तो इन्होंने जमीन ली थी उसमें कॉलोनियाँ बसा दी। ये हमारी प्राइवेट लैंड है, आज ये हमारी प्राइवेट लैंड है, तो डाटा लाइन लैंड है क्या? अरे डॉक्यूमेंट्स में है, डॉक्यूमेंट को नहीं मान रहे, ये तो किसी चीज़ को भी नहीं मान रही। आज दादा लाई कागज है, इसकी फर्दे हैं जो होती हैं किसान के पास, सारी फर्दे हैं हमारे पास, एक दिन पहले भी नहीं बताते। आपको कोई नोटिस नहीं मिला? टाइम भी नहीं दे रहे। दिल्ली से NBCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।